एक बिंदु किस पे है, वृत्त ए पे, और दूसरी बिंदु किस पे है, पी पे। अब बोलिएगा सर है ना, दोनों दूर अलग अलग रहेगा, दूर दूर रहेगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन दोनों को स्पर्श भी करना है। तो अगर अंदर स्पर्श, ध्यान दीजिएगा, अब स्पर्श करने की बात है तो बाह्य स्पर्श करेगा तभी तो वो दूर दूर होगा, हाँ या ना। और दोनों की त्रिज्याएं सेम है तो इसका व्यास इसके व्यास पे रह जाएगा, अर्थात यहाँ पे पी रह जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा आठ, यानी मैक्सिमम दूरी कितना हो जाएगा, आठ आठ सोलह। दोनों का त्रिज्या कई यूनिट है, चार यूनिट, अर्थात व्यास हो जाएगा आठ, ये भी हो गया आठ। अब कहीं भी अगर यहां यहां लीजिएगा तो कम होगा ना, आया ना, अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा, सोलह। हालांकि आंसर भी सोलह से बड़ा कोई है नहीं, तो मैंने कहा एक इधर मानेंगे एक इधर मानेंगे, तो पी से क्यू की अधिकतम लंबाई जल्दी बोलिए, है ना। अगर कह देगा न्यूनतम लंबाई है ना, तो पी क्यू की न्यूनतम लंबाई तो बोलिएगा जीरो, क्योंकि यहीं पे पी ओ क्यू मिल रहा होगा, नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 132 है तो उस भाग की परिधि कितनी होगा जो केंद्र पर 135 डिग्री का कोण बनाती है, कोण पर 135 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री के, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी लंबाई बराबर 2πr गुने थीटा बटा 300, तो 2πr दिया हुआ 132 और थीटा है 135 बटा 360, जल्दी हल करो, 12 से 11 बार में 12 से 3 दूनी 30 15 9 95 बटा 2 का मतलब 7.5, सॉरी कितना जाएगा गरनामा फिगर पर हैं, बतील से 12 से 30 बार में 15 दूनी 30 15 9 35 99 बटा 2 तो आ रहा। उस भाग की परिधि ज्ञात, अच्छा परिधि ज्ञात करना, चलिए ठीक, ये हो गया कितना 49.5, इसकी लंबाई कितनी हो गई 49.5। अब परिधि का मतलब होता है घेरा, मतलब क्या होता है, कितना प्लस इतना प्लस इतना। अब इसका आर निकाल लीजिए, तो 2πr बराबर है 132, तो 44 से कई बार में, 3 बार में ना, अर्थात आर का मान 21, इक्कीस इक्कीस 42 और जुड़ जाएंगे, अर्थात हो जाएगा परिधि 2r + 49.5। अब जल्दी देखिएगा, r1 r2 दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई, तो अभी तो सिखाए थे इसको, ये लड़का फॉर्मूला बोल रहा है, त्रिज्या r1 r2 दो वृत्त के केंद्रों के बीच, तो थे R1 है R2 ठीक, इसकी दूरी कितना मान लें, कहां से इसकी लंब, ध्यान दीजिए कहां से इस पर लंब डाली जाती है, कितना हो जाएगा, अब बिंदु पर 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग इसको मान लेते हैं L, क्या मान लेते हैं, कि कर्ण हो गया D, आई हो गया, विद्यार्थी जी जल्दी बोलिएगा, बड़ा R माइनस छोटा R, यानी R1 माइनस R2, हाँ या ना। तो अब देखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा क्या नहीं, अर्थात इधर आ जाएगा तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो एल का मान हो जाएगा डी स्क्वायर, देखिए यही फार्मूला बोल, जो फार्मूला बोल रहे हैं फार्मूला मैंने निकाल दिया, यदि टेंजेंट लाइन PA और PB ऑन ए सर्किल विथ ए सेंटर O, सेंटर O अच्छा दिया हुआ, सेंटर ने दिया हुआ सेंटर O, फ्रॉम ए पॉइंट पी आर इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ
10, what is the measurement of the angle POA? अच्छा ये दूसरा दिया हुआ है, इस फिगर में देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं देखते, हाँ देखिए टेंशन का ले रहे हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर कौन है, O है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, और कह रहा है इफ टेंजेंट लाइन PA एंड PB ऑन ए सर्किल विथ सेंटर O, PA एंड PA और चलिए आगे को क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन ऑन और कहा गया पी एंड पी बी ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से है ना, आर इंक्लाइन एट एन एंगल 110, ये कौन दिया होगा 110, तो क्या पूछ रहा है किसका मान, पी ओ ए, पी ओ ए, अच्छा ठीक है, तो इतना तो पता होगा ये 90 डिग्री, ये दोनों कितना कितना होगा 90 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री पक्का, आप जानते होंगे ये जब ऐसे खींचेंगे ना ये दोनों सर्वांगसम होता है, यानी हो जाएगा 55 डिग्री है, ये भी हो जाएगा आई 55 आई 90 तो ये को निकल जाएगा, जल्दी देखिए 35 डिग्री, बोलिएगा ये दोनों सर्वांगसम कैसे होता है, तो RHS से देखिएगा दोनों का रेडियस क्या होगा बराबर होगा, आई देखिए कर्ण दोनों का क्या हो गया सेम हो गया, इसका मतलब लंब भी दोनों का सेम होगा, ध्यान रखिएगा उतना साबित मत कीजिएगा, सीधे याद रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल हूबहू सेम होता है, और जब सेम होगा कब, जब ये दोनों बराबर भाग में बांटेगा, ये दोनों बराबर भाग में बांटेगा, हाँ या ना, देखिए ना 35 दिया होगा, फिर से एक नियमित बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या कितना होगा, प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री, प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री यानी टोटल 18 भुजा, सॉरी 36 भुजा, क्योंकि 360 में होता है, यानी कितने भुजा है 36, अब समझ में आ गया होगा, क्या कोई फॉर्मूला नहीं दिए, विकर्णों की संख्या ध्यान दीजिए, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं विद्यार्थी जी कि 4 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, इससे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 4 अलग अलग पॉइंट है, इससे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो फॉर्मूला होता है विद्यार्थी जी 4C2, 4 बिंदु से कुल कितनी भुजा रेखा, रेखा तो रेखा बनने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होती है, अब 4 में से किसी 2 को मिलाएंगे तो रेखा बन जाएगा, 4 में से किसी भी अर्थात टोटल रेखा हो जाएगा, 4C2 को हल करने के तरीके 4 घटाइए 3 और नीचे 1 × 2 अर्थात कितना रेखा, देखते हैं 6 बनता है कि नहीं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये गो 6 रेखा हुआ, और 6 रेखा में 4 भुजा का मतलब 4 को तो भुजा हो गया, यानी विकर्ण कितना हो गया, तो इसका मतलब अगर कोई पूछ देता विकर्ण की संख्या कितना होगा तो 4C2-4 है ना, अगर 9 भुजा वाला है तो डायरेक्ट बोलिएगा 9C2-, 10 भुजा वाला रहेगा तो 10C2-, हाँ या ना, अर्थात n भुजा वाला रहेगा तो विकर्ण हो जाएगा NC2-, कि माइनस n क्यों हुआ, क्योंकि n तो भुजा हो जाएगा बाकी सब क्या हो जाएगा विकर्ण, NC2 को हल करने की तरीके है n n-1 बटा 1 × 2 - n, अब LCM 2 ले लीजिएगा n n-1 - 2, अब ऊपर n कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा n-1-2 यानी कि हो जाएगा n-3, यही हो गया विकर्णों की संख्या, लिख लीजिए फॉर्मूला लिखना है तो, यही पढ़े भी होंगे आदि भी क्यों, अब कैसे आया वो समझ में आ गया होगा तो रटना आसान हो जाएगा, तो विकर्णों की संख्या क्या लिखे n × n-3/2, विकर्णों की संख्या n n-3/2, 27 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, अगर हमें विश्वास कीजिए हमें निकालना रहता तो 27C2 लिखते, 27 × 26/2 हम माइनस करते हम 27,
अब दो से कितना बार में, यानी हो जाएगा 27 माइनस 12, 27 कॉमन ले लिए, पर 84 के 4 बाकी 8, 12 दुनी 24 और 8, सही है। और जिन्हें फार्मूले आते हैं फार्मूले यूज करेंगे, एन आई एन माइनस 3 अब बटा 2, लेकिन वही आया कि नहीं आया, अब तो बन जाना चाहिए। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।